अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी मोहर्रम चोंगे दो टाइप के इजी वे में। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम चोंगे के आटे को गून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बॉम्बे रवा 200 ग्राम यूज़ किया है, मैदा 200 ग्राम, नमक 1/4 टीस्पून, घी 50 ml, इन सभी चीज़ों को हम पानी ऐड करके अपने लिहाज से आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट रखेंगे। आटे को हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे लोई बनाकर बेलेंगे। अगर आप लोग को चोंगों को एक ही साइज में रखना हो तो किसी भी चीज़ से, राउंड चीज़ से आप इसे शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ पर राउंड शेप वाला बॉल स्टील का यूज़ किया है, आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब मैं चोंगों को इसमें डीप फ्राई करूंगी। देखिए हमारे चोंगे कितने फ्लफी हो रहे हैं। इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है फ्राई। इसी तरह हम चोंगों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे अलग से रख लेंगे। फाइनली हम चोंगों की फिनिशिंग करते हैं। पहले मैं ड्राई चोंगे बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर चोंगे ले लिए हैं फ्राई करे हुए और इसके ऊपर मैं पिसा हुआ शुगर का पाउडर ऐड करूंगी और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स का पूरे मैंने एक पाउडर बना लिया था, बादाम काजू पिस्ते का, वो मैं इसके ऊपर टॉपिंग कर दूंगी दो तरफ से। हमारे ड्राई चोंगे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ हम बनाएंगे शुगर सिरप वाले चोंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया होते हैं और मेरे फेवरेट हैं। मैंने अलग से शुगर सिरप बना लिया था फ्राइड करे हुए चोंगे, इसमें डिप कर इसकी टॉपिंग ड्राई फ्रूट्स के पाउडर से करूंगी। पे की मदद से इसे अच्छे से डिप कर सकते हो टू साइड्स। अब मैं प्लेट में चोंगों को रखकर इसकी टॉपिंग ड्राई फ्रूट्स के पाउडर से कर लूंगी टू साइड से। इसी तरह मैं दूसरे चोंगों की भी टॉपिंग कर लूंगी। हमारे शुगर सिरप चोंगे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर आप लोग के साथ दो टाइप के चोंगे शेयर किए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल वे में बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।